आगरा के वरिष्ठ भाजपा नेता भानु प्रताप चौहान के पुत्र की सोमवार को शादी के बाद आज बहू खेड़ागढ़ से हेलीकॉप्टर पर बैठकर विदा हुई और आगरा में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस शादी की सबसे खास बात ये है कि बहू मोनिका सिंह खेड़ागढ़ विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में पूर्व में उपाध्यक्ष रह चुके वरिष्ठ भाजपा नेता भानु प्रताप चौहान के पुत्र जितेन चौहान का विवाह सोमवार खेड़ागढ़ के बिलावली निवासी भाजपा नेता रणबल सिंह की पुत्री मोनिका सिंह के साथ हुआ है। शादी के बाद आज परिजनों ने श्री रघुकुल महाविश्वविद्यालय से हेलीकॉप्टर पर बिठाकर उनकी विदाई की गई। हेलीकॉप्टर 20 मिनट के बाद आगरा के एयरपोर्ट उतरा, जहां बहू का परिजनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान दोनों ही जगहों पर उड़न खटोले से विदाई देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। अनुमति के चलते सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद रही। आपको बता दें कि दोनों परिवार का राजनीति से पुराना रिश्ता है। भानु प्रताप चौहान पूर्व में फिरोजाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और रणबल सिंह का भी भाजपा से पुराना नाता है। विज्ञान से दो बार पोस्ट ग्रेजुएट बहू मोनिका सिंह राष्ट्र सेविका समिति की तरुणी प्रमुख हैं और 10 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। बीते पंचायत चुनाव में उन्होंने वार्ड 31 से टिकट मांगा था और अब खेड़ागढ़ विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं। वर्तमान में खेड़ागढ़ से भाजपा के महेश गोयल विधायक हैं और यहां से लगभग 30 लोगों ने टिकट की दावेदारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 15।